वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई कन्हैया जी का जन्म 1648 विच सियालकोट के जिले सोधर विखे होया, जो अजकल पाकिस्तान विच स्थित है। आप जी खत्री परिवार नाल संबंध रखते सन। आप जी बचपन तो ही गरीबां दी सहायता करके खुश रहा करते सन। आप जी के पिता जी धने व्यापारी सन। आप जी की माता नूं अक्सर यह चिंता रहिंदी सी कि लोग की कहणगे, एक धने व्यापारी का पुत्र मजदूरी वाले काम करता है। आप जी के पिता की मौत तो बाद सारा कारोबार आपने संभाल लिया। व्यापार करते समय आप जी भाई ननुआ जी नूं मिले। भाई ननुआ जी गुरबाणी विच अथाह विश्वास रखने वाले सन। आप ओह गुरु तेग बहादुर जी के सच्चे सिख भी सन। आप जी गुरबाणी सुन के बहुत खुश होए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। भाई ननुआ जी ने गुरु जी के दर्शन करवाए। आप जी गुरु जी के दर्शन करने तो बाद आप जी के सारे भरम भुलेखे दूर हो गए। आप जी गुरु जी के सच्चे सिख बन गए। हुण आप जी अपने कोल पानी की भरी मश्क रख्या करते सन। आप जी सिखा नूं जंग करते समय जख्मी सिखा नूं अते दुश्मनां नूं पानी पियांदे सन। कुछ सिखा ने गुरु जी कोल भाई कन्हैया जी की शिकायत की कि ओ जख्मी सिखा नूं भी पानी पियांदे हन, जख्मी सिखांदे हन। उन्हां ने गुरु जी भाई कन्हैया जी नूं अपने कोल बुलाया ते सिखा वालों की शिकायत बारे पुछया। जदों भाई कन्हैया जी तो पुछया गया तां भाई कन्हैया जी ने बड़ी ही निम्रता नाल हां दा जवाब दिता। उन्होंने ओह शिकायत कबूल की। फिर गुरु जी ने कहा कि इदा क्यों कर दियो। तां भाई कन्हैया जी वालों गुरु जी ने जवाब दिता गया कि गुरु महाराज उन्हां नूं तां दुश्मनां विच वी आप जी दा चेहरा नजर आउंदा है। तां गुरु जी बहुत खुश होए। गुरु जी ने उन्हां नूं गलवकड़ी विच लै लिया ते कहा जल दे नाल नाल मलम पट्टी वी कर दिया कर। तां गुरु जी ने भाई कन्हैया जी नूं कहा कि तुसी सचमुच गुरबाणी दी व्याख्या जाण चुके हो। सो सानूं भाई कन्हैया जी दे जीवन तों इह सिद्ध मिलदी है कि सानूं मुसीबत समें दुश्मना की भी सहायता करनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।